मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदि बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये डेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये डेकेड का सामर्थ्य भारत के प्रयास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। स्पेस मिशन की बात हो, हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये नए क्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को न भूलें, और भारत ने सदियों से देखा हुआ है, जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई, और इसलिए हमारे छोटे किसान उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रेड़ी पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बस सेवाएं देने वाले लोग, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। और इसलिए
हमारे आर्थिक विकास की ये जो मूलभूत जमीनी ताकत है, उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है।